हे एवरीवन, आज मैं अपने चैनल जिसका नाम है फूड अप बीट्स पर बनाने वाली हूँ हम सबका फेवरेट मस्टर्ड फिश करी यानी सरसों वाली फिश करी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने मस्टर्ड फिश करी बनाने के लिए रोहू फिश लिया है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिश है और मेरी फेवरेट भी। तो चलिए देखते हैं मस्टर्ड फिश करी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। रोहू फिश 1 केजी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, नमक एज पर टेस्ट, सरसों के दाने 2.5 टेबलस्पून, खड़ा जीरा 1/2 टीस्पून, खड़ा धनिया 1/2 टीस्पून, पचफोरन 1/2 टीस्पून जिसमें मैंने लिया है थोड़ा खड़ा जीरा, कलौंजी, अजवाइन, मेथी दाने, सरसों के दाने, टमाटर लेना है 2 चॉप्ड, धनिया के पत्ते गार्निशिंग के लिए, हरी मिर्च 4 जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया है, लहसुन की कलियां 15 से 20। सबसे पहले हम मसाला पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए ग्राइंडर में 15 से 20 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा, 1/2 टीस्पून खड़ा धनिया, 2.5 टेबलस्पून सरसों के दाने, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट थोड़ा लिक्विडी होना चाहिए। अब हम फिश को मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए 1 केजी फिश में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून मसाला पेस्ट जो हमने पहले तैयार कर लिया था वो डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिलाकर फिश को मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट्स के लिए साइड रख देंगे। 30 मिनट्स के बाद हमें फिश को फ्राई कर लेना है। मैंने फिश फ्राई करने के लिए कढ़ाई की जगह पैन का यूज किया है, क्योंकि पैन का सरफेस फ्लैट होने के कारण इसे पलटना इजी होता है और ये इवनली फ्राई भी होती है। पैन गर्म हो जाने पर हमें 3-4 टेबलस्पून सरसों का तेल डालना है। जब सरसों के तेल से थोड़ा धुआं आने लगे तो इस समय हमें फिश डालना है। फिश को 2-3 मिनट दोनों साइड से अच्छी तरह शैलो फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। फ्राइड फिश को टिश्यू पेपर पर, जिसे मैंने पहले से एक प्लेट पर बिछा लिया था, निकाल लेंगे ताकि टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा ऑयल सोक कर ले। मैंने 2 बैच में 1 केजी फिश को फ्राई कर लिया है। फिश को फ्राई करने के बाद चलिए बनाते हैं फिश करी। इसके लिए हमें एक कढ़ाई गरम कर लेनी है। कढ़ाई गरम हो जाने पर इसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाने पर 1 टीस्पून पचफोरन जिसमें थोड़ा जीरा, कलौंजी, अजवाइन, मेथी दाने, सरसों के दाने मिक्स करके रखा था वो डालेंगे। 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया है वो डालेंगे। मसाला पेस्ट जो मैंने रेडी किया था वो डालेंगे और 2-3 मिनट स्लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए फ्राई करेंगे। फिर हम डालेंगे नमक एज पर टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर 2-3 मिनट फ्राई कर लेंगे।
फिर इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर का ग्राइंडर में स्मूथ पेस्ट बना लिया था वो डालेंगे। अब 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि मसाले से ऑयल अलग हो रहा है। इसका मतलब है मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। सरसों के कच्चेपन को खत्म करने के लिए इसे अच्छी तरह फ्राई करना बहुत ही जरूरी होता है, तब जाकर सरसों का टेस्ट अच्छा आता है। हमें मसाले को 2 से 3 मिनट ढककर पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें 2 कप पानी डालेंगे। एक उबाल आने पर फ्राइड फिश डालेंगे। हमें फिश को ज्यादा चलाना नहीं है, वरना ये टूट जाएंगे। फिश को 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर बिना ढक्कन लगाए कुक करना है। 3 से 4 मिनट के बाद धनिया के पत्ते डालकर गार्निश करेंगे। मैंने यहाँ धनिया को चॉप करके डाला है। और ये लीजिए, बन गया टेस्टी मस्टर्ड फिश करी। आप इसे गर्मा गर्म स्टीम्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। स्टीम्ड राइस के साथ मस्टर्ड फिश करी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर आपको मेरी मस्टर्ड फिश करी की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड अपडेट्स को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।